जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ना मैं अच्छा पिता हूँ, ना मैं अच्छा पति हूँ, ना आपका ख्याल रख पा रहा हूँ, ना अपनी बच्चियों का ख्याल रख पा रहा हूँ। अपनी जिम्मेदारी निभाई, मुझे माफ कर दीजिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? और किसने कहा आपसे आप हमारा ध्यान नहीं रख पाते? पता भी है आपको दुनिया के सबसे अच्छे पिता और पति हैं। कुछ नहीं हूँ मैं, कुछ भी नहीं हूँ। देखा ना आपने क्या हुआ, कैसे बाबूजी ने आपका अपमान किया, कैसे मेरी बच्चियों का दिल दुखाया, और मैं मर्यादा के चलते चुप करता। इसलिए मैं कह रहा था कि सच पता चलने ही नहीं देते। लेकिन हमने कहाँ सच बताया अशोक जी, देख लिया ना आपने। सच जब झूठ बनकर सामने आ जाता है तो कितनी गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए अगर बाबूजी को सच पहले ही बता देते तो बात इतनी खराब नहीं होती। अरे वो तो जिद जी ने आके सब सच बता दिया, वरना सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था। हाँ, पर झूठ की बुनियाद पे खड़ी कोई भी खुशी कभी भी कपूर की तरह उड़ सकती है, लेकिन सच सोने जैसा होता है, कितनी भी कोशिश करो मिटता नहीं। लेकिन मुझे तकलीफ होती है जब आप तीनों में से किसी का भी दिल दुखता है, और खास करके तब जब किसी का कोई कसूर ना हो। लेकिन अशोक जी, कभी कभी ना अपनों की गलतियों से भी तकलीफ मिल जाती है। और सच बताओ इंसान इसका कुछ नहीं कर पाता, वो बस लाचार और बेबस हो जाता है। लेकिन वक्त उन जख्मों पर मरहम रख ही देता है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।